नमस्कार, मैं हूं दीप शिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे बड़ी खबर का। निजामुद्दीन तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद को दिल्ली पुलिस ने चौथी बार नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद को सरकारी लैब में कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कहा है। हाल ही में मौलाना साद के वकील ने दावा किया था कि मौलाना साद ने निजी और सरकारी लैब से कोरोना की जांच कराई है, जिसमें सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। वकील का कहना है कि जांच रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को भी सौंप दी गई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का आरोप है कि मौलाना साद जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहा है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि चौथी बार नोटिस इसलिए भेजा गया है क्योंकि वो अभी तक जांच में सहयोग करने से बच रहा है। इरफान खान के बाद अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर भी दुनिया को अलविदा कह गए। ऋषि कपूर की अचानक से तबीयत खराब होने के बाद से मुंबई के एक हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। ऋषि कपूर के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। बता दें कि दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। 2018 में ऋषि कपूर इलाज के लिए अमेरिका गए थे, जिसके बाद से 3 अक्टूबर 2018 को कैंसर होने की खबर सामने आई। ऋषि कपूर 67 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन के बाद से महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि वो गया, मैं टूट गया हूं। बता दें कि अमिताभ के खास दोस्त थे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर के निधन पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विटर पर ऋषि कपूर की तस्वीर शेयर की और उन्हें मल्टी टैलेंटेड बताया। साथ साथ पीएम ने लिखा कि मैं सोशल मीडिया पर उनके साथ हुई अपनी बातचीत को हमेशा याद करूंगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ऋषि कपूर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि ऋषि कपूर के सदाबहार और प्रसन्न चित्त व्यक्तित्व के कारण विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि वो नहीं रहे। उनका निधन अपूर्णीय क्षति है। अर्थव्यवस्था के सामने आ रही इन्हीं चुनौतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से चर्चा की। रघुराम राजन ने कहा कि इस वक्त गरीबों की मदद करना बेहद जरूरी है, इसके लिए सरकार के करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रघुराम राजन ने कहा कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अपना स्थान बना सकता है। शक्तिहीन लोगों को शक्तिशाली नेता अच्छा लगता है। हम एक विभाजित समाज के साथ कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय समाज की व्यवस्था अमेरिकी समाज से काफी अलग है। हर राज्य का अलग तरीका है। भारत में हमेशा सत्ता कंट्रोल पर फोकस होती है, जो काफी लंबे वक्त से जारी है। रघुराम राजन ने कहा कि फूड हेल्थ एजुकेशन पर कई राज्यों में अच्छा काम किया गया है। आज वक्त की जरूरत है कि लोगों को सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रखा जाए, उनके लिए नए अवसर पैदा किए जाए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि दूसरे लॉकडाउन को लागू करने का मतलब है कि आप खोलने को लेकर कोई सही तैयारी नहीं कर पाए हैं। अगर हम सोचे कि शून्य केस पर ही लॉकडाउन खोला जाएगा तो वो असंभव है। रघुराम राजन ने कहा कि हमें जल्द से जल्द अर्थव्यवस्था को खोलने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दूसरे देशों की तरह से अच्छी व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा कि सीएमआईई ने कहा है कि 10 करोड़ लोग वर्क फोर्स से बाहर हो जाएंगे, हमें बड़े कदम उठाने होंगे। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों और छात्रों को घर भेजने की अनुमति दे दी है। राजस्थान के सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और साथ साथ प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए ट्रेन चलाने की मांग भी की है। सीएम गहलोत ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में राजस्थान को अलग अलग राज्यों से 6 लाख मजदूरों का आवेदन मिला है। अब ऐसे में केंद्र सरकार को मेरी यही सलाह होगी कि ट्रेन सेवाएं के जरिए इन सभी को गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का काम किया जाए। महाराष्ट्र में कोरोना ने मुंबई महानगर पालिका के बीएमसी के एक कर्मचारी की जान ले ली है। वो बीएमसी के असेसमेंट डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। बीएमसी का ये कर्मचारी मिशन धरावी ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था और राशन बांटने वाली टीम का हिस्सा था। लॉकडाउन में फूलों की मांग कम हो गई है, जिससे फूलों की खेती करने वाले किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। मेरठ में एक किसान को फूल की सप्लाई नहीं होने की वजह से 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पर भारी गोलाबारी की है। पाक सेना की ओर से कृष्णा घाटी सेक्टर में 6 छोटे हथियारों और मोर्टार से गोलीबारी की गई है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सैनिक को ढेर किया।
कोरोना संकट के बीच बेमौसम बारिश आंधी तूफान से हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। बीती रात आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले में आंधी तूफान और भारी बारिश के चलते केले की बागवानी करने वाले किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। मौसम बारिश ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग ने पहले ही देश के 9 राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं की वजह से बारिश का अलर्ट जारी किया था, जो कि अगले सोमवार तक जारी रहेगा। बीते एक महीने से लगातार जारी लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। अभी तक देश भर में कोरोना के करीब 33,337 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें से करीब 23,747 से ज्यादा केसेस अभी भी एक्टिव बताए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की चपेट में आने की वजह से देश भर में मरने वालों की संख्या अब 1,081 से ज्यादा हो चुकी है। हालांकि राहत वाली खबर यह है कि बाकी देशों के मुकाबले भारत में कोरोना संक्रमित मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है। यहां अभी तक 9,914 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि है, जिसमें से 431 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1,592 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ितों की संख्या महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से है। अकेले मुंबई में ही कोरोना के 6,643 से ज्यादा मामले सामने आए। पुणे के एक हॉस्पिटल में कोरोना से संक्रमित मरीजों के साथ काफी सावधानी बरती जा रही है। दरअसल स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए रोबोट के जरिए मरीजों तक खाना और दवाइयां पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट गुजरात बन गया है। गुजरात में अभी तक 4,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की पुष्टि हुई, जिसमें से अभी तक 197 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 526 से ज्यादा लोगों के ठीक होने की पुष्टि हुई। देश की राजधानी दिल्ली में अभी तक 3,438 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की पुष्टि हुई है, जिसमें से करीब 2,291 से ज्यादा केस एक्टिव है। 56 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। लॉकडाउन के बावजूद मध्य प्रदेश में किलर कोरोना का कहर बरप रहा है। अभी तक राज्य में 2,560 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें से 1,968 से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं, तो वहीं मरने वालों की संख्या अब 129 हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के अंदर कोरोना मरीजों की संख्या 1,400 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें 1,000 से ज्यादा केसेस अभी भी एक्टिव हैं, तो वहीं मरने वालों की संख्या 31 हो चुकी है। कोरोना की वजह से राजस्थान सरकार की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां कोरोना के 2,555 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें से अभी तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है। 835 से ज्यादा संक्रमित मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। तमिलनाडु में भी कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। तमिलनाडु में कोरोना से अभी तक 2,160 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 27 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह भी है कि यहां 1,200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। योगी सरकार की सख्ती के बावजूद यूपी में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। यूपी के अंदर अभी तक 2,133 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें से अभी तक 1,584 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, तो अभी तक कोरोना से संक्रमित 39 मरीजों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 580 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें से अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 190 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए, जबकि 381 केस अभी भी एक्टिव हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के 757 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें से 611 से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। राज्य में 22 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 123 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक भी हुए। पंजाब में अभी तक 374 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें से 224 से ज्यादा केसेस अभी भी एक्टिव बताए गए हैं, जबकि कोरोना वायरस की चपेट में आने की वजह से 19 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 101 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए। कर्नाटक में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। अभी तक पूरे कर्नाटक में 555 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, जिसमें से 21 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 220 से ज्यादा लोग अभी तक ठीक हुए। अब बिहार में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार के अंदर अभी तक 408 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित बताए गए, जिसमें से करीब 342 से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव हैं। बिहार में कोरोना की वजह से अभी तक 2 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में अभी तक कोरोना की वजह से 329 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 227 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद से ठीक हुए और अब सिर्फ कोरोना के 99 केस ही एक्टिव हैं।
हिमाचल प्रदेश में अब तक 40 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि है, जिसमें से 25 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं इस महामारी से अभी तक प्रदेश में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है। केरल में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 495 से ज्यादा पहुंच चुका है। इनमें से सिर्फ 123 केस ही एक्टिव बताए गए हैं। यहां कोरोना से अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोरोना का लगातार कहर बरप रहा है। कोरोना महामारी से असम के अंदर अभी तक 42 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है। बिहार के पड़ोसी झारखंड में भी अभी तक 107 कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें से 84 से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव बताए गए हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में सबसे ज्यादा 78 कोरोना के मरीज रांची में पाए गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। अभी तक पूरे विश्व भर में 32,20,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई और इस महामारी की वजह से पूरे विश्व भर में करीब 2,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित करीब 10,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आपको बताते चले कि सबसे ज्यादा कोरोना का कहर अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस और रूस जैसे विकसित देशों में देखने को मिल रहा है। दुनिया का सबसे सुपर पावर देश अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अमेरिका में अभी तक करीब 10,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें से मरने वालों की संख्या बढ़कर 61,600 से ज्यादा हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में देखने को मिल रहा है। बताते चले न्यूयॉर्क में ही कोरोना के 3,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए, तो वहीं न्यूजर्सी में अभी तक 1,16,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप है। ऐसे में कोरोना संक्रमित लोगों को पहचानने के लिए अब कुत्तों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि सार्वजनिक जगह पर इन कुत्तों के जरिए कोरोना संक्रमित की पहचान की जा सके। अमेरिका और स्पेन के बाद से कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप इटली में देखने को मिल रहा है। इटली में अभी तक करीब 2,03,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 27,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 71,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक भी हुए। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा बुरे हालात स्पेन के हैं। स्पेन के अंदर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,36,000 हो चुका है, जिसमें से अभी तक 24,275 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 1,32,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज ठीक भी हुए। अमेरिका, इटली, स्पेन के बाद से ब्रिटेन में भी कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। ब्रिटेन के अंदर अभी तक 1,65,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें से मरने वालों की संख्या बढ़कर 26,000 से ज्यादा हो चुकी है। फ्रांस में अभी तक 1,66,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और इस जानलेवा वायरस से फ्रांस में अभी तक 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 48,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ित मरीज ठीक हुए। चीन में अब हालात बदल रहे हैं। चीन में अभी तक कोरोना के 83,920 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि है, जिसमें से 4,637 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 15,515 हो चुकी है, जिसमें से 343 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है, जो कि 11,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस एक्टिव बताए जा रहे हैं। कोरोना महामारी से निपटने में इमरान सरकार बुरी तरह से नाकाम रही है। वैसे में इमरान खान की सरकार पर पाकिस्तानी आर्मी हावी हो रही है और पाकिस्तानी सेना के सामने इमरान की एक नहीं चल पा रही है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक से पहले चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में अपेक्स ग्रुप की एक बैठक हुई। इस बैठक में विपक्षी नेताओं के अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक के बाद से प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि विपक्ष के साथ बैठक अच्छे माहौल में हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया और विपक्षी नेताओं ने भी इस बैठक में अपनी बातों को रखा। कोरोना संकट पर अनिल विज ने कहा कि अगर बाहर से संक्रमण नहीं होता है तो हरियाणा 10 से 15 दिन के अंदर कोरोना फ्री हो सकता है, और इसी वजह से दिल्ली की सीमाओं को सील किया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा है कि कोरोना संकट में दिल्ली को जरूरत होगी तो हम मदद करेंगे, लेकिन पहले हरियाणा के लोगों को बचाना प्राथमिकता है। अपेक्स ग्रुप के बैठक में विपक्ष से चर्चा के बाद से सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के हालातों पर चर्चा के लिए कैबिनेट की एक बैठक बुलाई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक की गई।
जनता टीवी की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है और इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है। बताते चले कि कुरुक्षेत्र के डीएफएसओ आशीष की मौत के बाद खुद सीएम मनोहर लाल ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। आशीष ने मौत से पहले एक वीडियो जारी किया था और अपने ही विभाग के दो अधिकारियों पर आरोप लगाए थे, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। जनता टीवी ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद से एपेक्स ग्रुप की बैठक में इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जिसके बाद से सीएम ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। झज्जर के बहादुरगढ़ सब्जी मंडी में से 9 व्यापारियों के साथ साथ 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया जा रहा है कि जो लोग संक्रमित मिले हैं वो दिल्ली के आजादपुर मंडी से सब्जी लाते थे। झज्जर जिले में अब 18 केस हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते हुए कहर के बीच हरियाणा से अच्छी खबर आ रही है। सिरसा में अब एक भी कोरोना मरीज नहीं है। बताते चले कि सिरसा जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जो कि सभी मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। केंद्र ने हरियाणा सरकार को रैपिड टेस्ट करने की इजाजत दे दी। हरियाणा सरकार मानेसर के साउथ कोरियन कंपनी की ओर से मिले 25,000 रैपिड किट का इस्तेमाल करेगी। प्रथला में विधायक नयनपाल रावत ने कोरोना वॉरियर्स को फूल मालाओं और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वॉरियर्स कोरोना के जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा कि मीडियाकर्मी भी इसमें अपना सहयोग निभा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हरियाणा से अच्छी खबर सामने आई है। करनाल में अब एक भी कोरोना मरीज नहीं है। आपको बताते चले कि करनाल जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें 5 लोग इलाज के दौरान ठीक हुए तो वहीं एक की मौत हो चुकी है। पंचकुला के सेक्टर 6 सिविल हॉस्पिटल में बने आइसोलेशन वार्ड के 3rd फ्लोर से एक कोरोना संदिग्ध मरीज ने छलांग मार दी और आत्महत्या कर ली। बताते चले कि कोरोना संदिग्ध मरीज की कोरोना रिपोर्ट आना भी बाकी था। गुरुग्राम के पहाड़ी गांव में सीआईए और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नकली सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी पर छापे मारे हैं और इस दौरान करीब 4,000 नकली सैनिटाइजर बरामद किए गए हैं, तो वहीं पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद में युवा समाज सेवी जसवंत पवार ने लॉकडाउन की शुरुआत में ही आवारा पशुओं का पेट भरने का जिम्मा उठाया है और आज भी ये नेक कार्य जारी है। युवा समाज सेवी जसवंत पवार की पहल देखकर शहर के अन्य समाज सेवी भी अब बेजुबान जानवरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। एस्कॉर्ट कंपनी के प्रधान वजीर सिंह डागर ने सैकड़ों बंदरों 50 दर्जन से भी ज्यादा बंदरों को 50 दर्जन से भी ज्यादा केले खिलाए। कोविड-19 वैश्विक आपदा से निपटने के लिए देश के तमाम लोग अपने अपने तरीके से मदद के लिए आगे आ रहे हैं और इसी फेहरिस्त में अब हरियाणा सीएसआर एडवाइजरी बोर्ड का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल हरियाणा सीएसआर एडवाइजरी बोर्ड के सहयोग से पावरग्रिड एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दे रही है। कोविड-19 महामारी के बीच गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और 9 जिले के सरकारी हॉस्पिटल को यह सहायता दी जा रही है। रोहतक से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर आई है। जिले में अब सिर्फ कोरोना के 2 ही एक्टिव केसेस रह गए हैं। हालांकि ककराना गांव से कोरोना पॉजिटिव मिली महिला की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। महिला की दूसरी नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। फरीदाबाद में कोरोना वायरस से एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। इस बुजुर्ग ने निजी लैब से कोरोना टेस्ट कराया था, जिसमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने दोबारा कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए थे, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही बुजुर्ग की मौत हो गई। करनाल के स्कूल में लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर स्कूल में बच्चों की क्लासेस ली जा रही है। करनाल के सुभाष गेट एसबी मिशन स्कूल में छोटे बच्चों को स्कूल बुलाया गया, जो बिना मास्क के ही पढ़ाई करते हुए नजर आए। इस पूरे मामले पर सूचना मिलने पर पुलिस और शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। बन्नौर के खुबड़ू गांव में एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। इस महिला एक पुलिसकर्मी के संपर्क में आई थी और आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में नया केस मिलने के बाद से कोरोना संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 7 हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए फरीदाबाद जिले से लगने वाले तमाम बॉर्डर को सील किया गया है। डॉक्टर बैंक कर्मियों को पहचान पत्र देखकर ही एंट्री मिल पाएगी, जबकि अनिवार्य सुविधाएं पहुंचा रहे वाहनों के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए पास मान्य होंगे।
करनाल के सेक्टर 4 से पुलिस ने एक नकली फौजी को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस ने दो आर्मी ड्रेस भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शख्स को नशे की लत है, जिसके चलते वो चोरी की वारदातों को अंजाम देता रहा है। हिसार के शेल्टर होम में रहने वाले श्रमिकों को जिला प्रशासन नया हुनर सिखा रहा है। जिला प्रशासन मजदूरों को इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और एसी रिपेयरिंग जैसे कामों की ट्रेनिंग दे रहा है। नूह के नगीना से एक और कोरोना संक्रमित मिला है, जिसके बाद से जिले में कोरोना के कुल मिलाकर 12 केस हो चुके हैं। जिले में अब तक कुल 58 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 46 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। लोहारू के एसडीएम ने अस्थायी मंडियों का औचक निरीक्षण किया और अनाज से मिश्रण साफ नहीं करने को लेकर फटकार लगाई और कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसी बीच राजस्थान से आ रही 200 ट्रॉली को पुलिस प्रशासन ने जब्त किया है और धारा 188 के तहत कार्रवाई की है। रादौर के गांव कंड्रोली में पूर्व सरपंच के घर जमीनी विवाद के चलते गोलियां चल गई। एक भाई ने दूसरे भाई के परिवार पर फायरिंग की। इस फायरिंग में परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, सभी को ट्रॉमा सेंटर भर्ती किया गया है। पानीपत के गांव सिवहा में दो युवकों को क्वारंटीन किया गया। दोनों ही युवक दिल्ली से अपने घर पानीपत लौटे थे, जिसके बाद से उन्हें क्वारंटीन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने कदम दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए उठाया है। गुरुग्राम के जिला उपायुक्तों ने बताया कि जिले की सीमाओं को सील नहीं किया गया है, गैर जरूरी मूवमेंट को घटाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी सभी तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, अगर जरूरत पड़ी तो सख्ती भी बढ़ाई जाएगी। ओहाना के बीपीएस मेडिकल कॉलेज की बेहतरीन देखभाल और उपचार की बदौलत कोरोना वायरस के 5 पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं और साथ ही साथ 7 अन्य पॉजिटिव मामले में भी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिनके ठीक होने की उम्मीद की जा रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यकीन नहीं हो रहा कि ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऋषि कपूर की दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हमीरपुर में लॉकडाउन के दौरान किसी भी वाहन की बिना चेकिंग के नो एंट्री है और इसके लिए जिले में पूरी तरह से सीलबंदी की गई है। पुलिसकर्मी ने पूरी चौकसी के साथ रजिस्टर में वाहनों के नंबर के अलावा पूरा नाम और पता लिखा है। बद्दी में ड्रग विभाग और पुलिस की टीम ने एक फर्जी क्लिनिक पर छापेमारी की है और इस दौरान उन्होंने भारी मात्रा में दवाइयां बरामद की है। पूछताछ में उक्त क्लिनिक चालक के पास कोई भी डिग्री या फिर डिप्लोमा नहीं है। पार्टी के आह्वान पर बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता इन दिनों मास्क बनाने का काम कर रहे हैं। नाहन में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता ने अभी तक करीब 28,000 मास्क बनाए हैं, जिन्हें फ्रंट लाइन में काम कर रहे लोगों के बीच जाकर बांटा गया है। केंद्र सरकार के लॉकडाउन में रियायतों के आदेशों के बाद नालागढ़ की 41 पंचायतों में दुकानें खुली। जिले में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को भी बनाए रखने के लिए आम लोग और पुलिस प्रशासन मिलकर साझा प्रयास कर रही है। राजस्थान के कोटा में बिलासपुर पहुंचे 47 छात्रों और अभिभावकों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग ने छात्रों को घर पर ही 28 दिन के लिए क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए। तो चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।